नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं डिश मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज जो हम बात करेंगे सुल्टामिसिलिन टेबलेट के बाद लेट टेबलेट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आपको इसके यूज बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसके डोज बताएंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताएंगे, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि जो न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सुल्टामिसिलिन टूसिलेट टेबलेट के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, जो कि अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, जिससे कि सुल्टा टेबलेट, सुल्टा TDS टेबलेट, ये कुछ ऐसे अपने एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। डॉक्टर के पर्चे पर मिलने वाली टेबलेट होती है, हर मेडिकल स्टोर पर आपको अवेलेबल हो जाती है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसका सॉल्ट जो कंटेंट इसमें डाला गया है वो है सुल्टामिसिलिन, जैसे कि आप देख रहे हैं डिस्प्ले पर। इसका जेनिक नेम जो दोस्तों जो इसका सॉल्ट है सुल्टामिसिलिन, इसका सॉल्ट जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ अलग ब्रांड से भी सोल्ट में आती है, जैसे कि मैं आपको दिखाई देता हूं दोस्तों डिस्प्ले पे आप देख रहे हैं नीचे तुलसा सुल्टामिसिलिन टूसिलेट, जैसे कि आप देख रहे हैं सुल्टामिसिलिन टूसिलेट, ये कुछ ऐसे भी मिलती है। और इसका जो जो सोल्ट है दोस्तों वो है सुल्टामिसिलिन। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों इसके ये सुल्टामिसिलिन जो है ये आपको 5 mg ये 375 mg में भी आपको अवेलेबल हो जाती है। और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों ये इसकी जो प्रति एक टेबलेट की जो कीमत होती है 375 mg की, ये आपको मार्केट में मिल जाती है लगभग आपको 3 रुपये से लेकर 4 रुपये तक की मिल जाती है। और 10 गोलियों की स्ट्रिप जो मिलती है इसकी, ये आपको मिल जाती है तकरीबन 35 रुपये से लेकर 40 रुपये तक की आपको मिल जाती है, क्योंकि एक एंटीबायोटिक टेबलेट होती है दोस्तों सुल्टामिसिलिन। तो अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों इसके जो यूजेज जो लिए जाते हैं दोस्तों, तो इसके यूज़ लिए जाते हैं जिससे कि मान लीजिए जो बैक्टीरिया से होने वाली जो बीमारियाँ होती हैं उनमें इसका यूज़ लिया जाता है। ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी से जो भी इन्फेक्शन से जो बीमारी होती है उसको रोकता है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को कम करता है, सुलाता है, और जो बीमारी पैदा होने वाली होती है बैक्टीरिया से उसको रोकता है। तो दोस्तों उसमें इसका यूज़ लिया जाता है बैक्टीरिया इन्फेक्शन में। और दोस्तों इसका जो यूज़ लिया जाता है ब्रोंकाइटिस बीमारी में भी इसका यूज़ लिया जाता है, या गुर्दे में किसी के संक्रमण इन्फेक्शन होता हो उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है, या नाक कान गले में इन्फेक्शन होता हो उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है, स्किन इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ लिया जाता है, सूजन में भी इस टेबलेट का यूज़ लिया जाता है दोस्तों। और दोस्तों मैं जैसे आपको बता रहा हूँ UTI इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। तो दोस्तों इसके काफ़ी जगह इसके यूज़ लिए जाते हैं, ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है, क्योंकि दोस्तों एक तरीके की एंटीबायोटिक टेबलेट होती है, पेनिसिलिन दवाओं में आती है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों इसके जो साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके जो साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं जैसे कि स्किन पर एलर्जी होना, मतली उल्टी होना, या आपको चक्कर आना, नींद आना, ये कुछ इसके ऐसे कॉमन से साइड इफेक्ट है। अदरवाइज इससे ज़्यादा साइड इफेक्ट आपको देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें ताकि वो आपको इससे बेस्ट टेबलेट दे सके। तो दोस्तों अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, टेबलेट फॉर्म में कैप्सूल फॉर्म में दोनों में ही अवेलेबल आपको हो जाता है। तो अब दोस्तों इसके कुछ साइड इफेक्ट होगा, अब मैं इसकी डोजेस के बारे में बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसकी जो सामान्य डोज होती है दोस्तों इसके 375 mg के, दिन में इसे एक से दो बार तक डॉक्टर देती है, लेकिन इसकी जो सामान्य डोज होती है इसे सुबह शाम आप करके इसे दिन में 2 बार ले सकते हैं, सुबह शाम खाना खाने के बाद में इसको ले सकते हैं आप सुल्टामिसिलिन की जो डोज होती है। और दोस्तों 18 से ऊपर के ही इसकी 375 mg की डोज आप दिन में 2 बार ले सकते हो, बीमारी के अकॉर्डिंग कितनी डोज देनी है वो आपका डॉक्टर आपको बताता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ इसका ड्यूरेशन टाइम जो होता है ये आपका 4 से 6 दिन तक का होता है, इससे ज़्यादा लें तो अपने डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट का यूज़ करें सुल्टामिसिलिन का। तो अब मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ कि इसके जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है दोस्तों, जैसे गर्भवती महिला वो अपने डॉक्टर की सलाह से ले, या जो प्रेगनेंसी की तैयारी कर रही है वो अपने डॉक्टर की सलाह से ले, ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर होती है जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है वो अपने डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट का यूज़ करें। अभी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ जो जैसे कि मान लीजिए जैसे हार्ट वाले, लीवर वाले, जो किडनी वाले बीमार होते हैं उनके लिए ये टेबलेट सेफ होती है, वो अपने बिना डॉक्टर की सलाह से, क्योंकि इन लीवर पे, हार्ट पे, किडनी पे इसका कम साइड इफेक्ट होता है, तो वो अपने डॉक्टर की बिना सलाह से भी इसे ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह लेनी अनिवार्य है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों इसके साथ में अल्कोहल का यूज़ ना करें, और इसे खाना खाने से बाद में इसे लेना होता है। और मैं आपको बता देता हूँ इस टेबलेट की सुल्टामिसिलिन की इसकी लत नहीं पड़ती आपको, और इसे आप किसी मशीन पर काम करते हैं या कार चलाते हैं या कुछ अदर काम करते हैं अन्य तो आप वो कर सकते हैं, क्योंकि आपको इससे नींद आने की शिकायत नहीं होती। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि इस टेबलेट को सुल्टामिसिलिन टेबलेट का यूजेस के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक एंटीबायोटिक टेबलेट है दोस्तों, जो कि दोस्तों बैक्टीरिया से जो होने वाली बीमारियाँ होती हैं
उनको ये रोकता है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये जो सुल्टामिसलिन जो टेबलेट है इसके जो यूजेस के बारे यूजेस की तरफ इसके बढ़ लेते हैं, तो उसके यूज़ कहाँ पे लिए जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया ये एंटीबायोटिक टेबलेट है, क्योंकि एंटीबायोटिक जो टेबलेट होती है वो बीमारी के अकॉर्डिंग दी जाती है। अब दोस्तों कई तरीके की एंटीबायोटिक होती है जो कि बीमारी के अकॉर्डिंग ही दी जाती हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों इसका जो यूज़ लिया जाता है वो बैक्टीरिया इन्फेक्शन में इसका यूज़ लिया जाता है। यूटीआई इन्फेक्शन जो यूरिन पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है, रुक रुक के होता है, जलन होती है, दर्द होता है पेशाब करते हैं उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। कान में इन्फेक्शन हो गया हो या जैसे मैंने बताया आपका कान में नाक में गले में जैसे कुछ इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी इसका यूज़ लेते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों ब्रोंकाइटिस में लेते हैं, गुर्दे में इन्फेक्शन संक्रमण हो जाता है उसमें भी, गुर्दे से जो रिलेटिव पेशेंट होते हैं उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। स्किन से रिलेटिव इन्फेक्शन हो जाता है या दाने निकल जाते हैं स्किन पर खुजली आती है उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। सूजन में भी इसका यूज़ लिया जाता है, जो शरीर पर सूजन आ जाती है उसमें भी इसका यूज़ लेते हैं। तो दोस्तों ये एक एंटीबायोटिक टेबलेट है तो इसका कई जगह पर इसका यूज़ लिया जाता है। तो अब जैसे कि मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी में इसका यूज़ लिया जाता है, यूरिन इन्फेक्शन में इसका यूज़ लिया जाता है, स्किन इन्फेक्शन में लिया जाता है, ब्रोंकाइटिस में लिया जाता है, गुर्दे से जो संबंधित बीमारी होती है उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है, स्किन इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ लिया जाता है। तो दोस्तों जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एंटीबायोटिक जो टेबलेट होती है वो सिर्फ बीमारी के अकॉर्डिंग ही दी जाती है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ अगर आपका ये सुल्टामेसिलिन टूसलेट टेबलेट के बारे में अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें भेज झिझक होकर कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर दोस्तों हिंदी में ही जानकारी दी जाती है तो आपका कमेंट का जवाब आपका जल्दी ही आपको दी जाएगी। या कोई आपको वीडियो रिलेटिव चाहिए दवाई से बनवानी है तो वो भी आपको उसका भी वीडियो मिलेगा। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि जो वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले